ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में खुश होगे। और आज हम एक ये रीडिंग लेके आए हैं जिसमें हम करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस एंड एक्शंस देखेंगे आपके पार्टनर के। क्या वो आने वाले टाइम में कुछ एक्शन लेंगे इस सिचुएशन में, क्या उनके माइंड में बेसिकली चलता रहता है। हमारा जो मेन एजेंडा होगा इस रीडिंग का वो ये होगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। लास्ट में एक डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। ओवरऑल जो भी आपकी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये एक सन, मून, साइन या नाम राशि जो भी आप मैच करते हैं, जिससे भी आप रेजोनेट कर पाएँ इस रीडिंग को, उससे आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप आगे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ वगैरह वगैरह। सो प्लीज़, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती ये सारी रीडिंग्स, पूरी पूरी बातें हर एक के साथ मैच कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रही हैं तो आप इसे वो कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। एंड लास्ट, पर्सनल रीडिंग का नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे व्हाट्सएप ही करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, और क्योंकि व्हाट्सएप पर भी मैं ही रिस्पॉन्ड करती हूँ और कोई थर्ड पर्सन नहीं है जो यहाँ पर इस व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता है। नंबर वही है जो हाईलाइट हो रहा है। इसलिए इस चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप वही हैं। फिर भी आपको लगता है कि मैं वही हूँ तो मैं आपको एक वॉइस मैसेज भेज सकती हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि येस आई एम द वन, ठीक है। अब हम जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और भगवान का नाम लेके, गणेश जी का, जल्दी से। ओके, माय डियर पाइसीज, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस इस रिलेशन को लेके, एंड देन हम देखेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। लास्ट आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, ठीक है। पाइसीज, स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स से। जजमेंट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द स्टार एंड टावर इन रिवर्स। देखिए, मुझे जो चीज़ बहुत अच्छे से दिख रही है पाइसीज, वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसी उनको फीलिंग आई है कि उनको ये जो उन्होंने आपके साथ एक पूरा पैटर्न बनाया ना, टिट फॉर टैट करने का, लड़ाइयाँ झगड़े करने का, आपको नीचा दिखाने का, आपको झुकाने का, आपको पीछे करने का, आई थिंक उनको उस पूरी सिचुएशन से अब कहीं ना कहीं एक समझ में आ गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो एक पूरा उन्होंने जो एक पूरा कहानी को एक विश्राम दे दिया था, उसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली जितना नुकसान आपका हुआ है उतना ही उनका भी हुआ है। उन्हें भी अब अंदर से ना दुख होने लगा है। मुझे एक चीज़ जो बहुत क्लियर दिख रही है वो ये कि आपके पार्टनर को अब एक ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें अब क्लैरिटी मिल जाए उनको। उनको ये है कि नहीं, बस अब बहुत हुआ, अब मैं और झगड़ा नहीं खींच सकती या खींच सकता, मुझे ये लड़ाई को यहीं ख़त्म करना है, मुझे अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, उसे संभालना है, उसमें अब और सिचुएशन को गंदा नहीं करना है। और अगर हो सके तो या तो पाइसेस हमेशा मेरे साथ रहे या फिर पाइसेस हमेशा के लिए मुझे छोड़ दे, कुछ इस तरह का मुझे उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं जिसमें अब वो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत क्लियरली सोचते हैं, ठीक है। ये तो मुझे उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही हैं। इस रिलेशनशिप को लेके उनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या इंटेंशंस हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। देखिए, जितने झगड़े लड़ाइयाँ वो आपके साथ करने में लगे रहे, मैंने आपसे यही कहा ना, उनको करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक्चुअली कार्ड्स फ्रेंड्स इसलिए आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि व्हेन आई मेक द रीडिंग, मैं पंखे को भी बिल्कुल कम पे कर देती हूँ ताकि कार्ड्स ना उड़ें, इतने हल्के होते हैं कार्ड्स।
अभी जस्ट मैंने एसी चलाया है और चलाते ही ये कार्ड झेलने शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे स्वेटिंग हो रही थी वाइल डूइंग द रीडिंग। और अब मैं पंखे को कम करके रीडिंग बना नहीं पाती, जनरली मैं बहुत एक या दो नंबर पे करके करती हूँ ताकि आपको रिकॉर्डिंग में पंखे की आवाज़ ना आए। बट अब सॉरी अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे से या कार्ड्स थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे हैं तो ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द रीडिंग, सो जितना उन्होंने आपके साथ झगड़ा करना था, जितना ड्रामा करना था, जितना नेगेटिव होना था, उन्होंने अपनी क्वीन ऑफ कप्स यानी कि आपके साथ करके देख लिया। नाउ दे हैव गिव अप, अब उन्होंने रियलाइज़ करा कि मैं अब और झगड़ा नहीं कर सकता और ड्रामा नहीं कर सकता और या नहीं कर सकती, जो भी जेंडर आप अपने हिसाब से देखिएगा, मैं फ़ीमेल हूँ तो इस हिसाब से बात करूँगी। अब मुझे अपने पार्टनर को वापस से मनाना होगा क्योंकि मेरा पार्टनर ही मेरा 10 of cups है। 10 of cups मीन्स ऑल द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मेरे पार्टनर से ही है। शायद आपसे दूर रह के या कम बोल के या करंट फीलिंग्स में ये आकर कि उन्हें अब आपकी वैल्यू पता लगनी शुरू हो गई है। सो मुझे उनकी अच्छी फीलिंग्स दिख रही हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों में क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब मैं देखती हूँ क्या ये कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या पाइसीज राशि के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, क्या पाइसीज के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 of coins, 2 of swords एंड 8 of cups। देखिए मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि जितना ये इंसान बिल्कुल कंफ्यूजन में था, सोर्ड्स के आया है, जितना इसने इमोशनली अपने आप को पीछे किया, खींचा, फाइनली इसे समझ आ गया कि 10 of coins कि परिवार ही सब कुछ है, फैमिली ही इज़ एवरीथिंग, और फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है वो क्या है। कितना भी क्रॉस रोड्स पे खड़े हो जाओ, कितना भी ये सोचने लगो कि लाइफ में क्या करना है, फाइनली अगर कोई चीज़ आपको जेन्युइनली सपोर्ट करती है तो वो आपकी फैमिली करती है और कोई भी नहीं करता। इस चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है। नो मैटर इन्होंने अपने आप को कितना इमोशनली डिसबैलेंस किया हो, कितना इमोशनली अपने आप को तोड़ा हो और आपसे दूर करने की कोशिश की हो, बट एट लास्ट दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड कि हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, अपनों के साथ जंग करके आप हारते ही हो, एंड यू नेवर गेट एनीथिंग इन रिटर्न, कभी आपको कुछ नहीं मिला, आखिरी में आप हारे हुए ही साबित होगे। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दिख रही है। एक्शंस के लिए अगर मैं कहूँ तो हाँ ये सोच रहे हैं और जल्द ही आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है। सो स्पाइसीज राशि के लिए मैं डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी। ओप्स 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 ओप्स, आई एम सो सॉरी, एक बार मैं कार्ड्स उठा लूं। ये जनरली इतने बिग कार्ड्स होते हैं कि हाथों से ही गिर जाते हैं। ओके, सो डिवाइन गाइडेंस फॉर पाइसीज राशि देखते हैं। सबसे पहला है सी द डिवाइन इन एवरीवन। हर एक के अंदर ना अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, जो इंसान गलत भी है तो भी ये देखो कि इसके अंदर अच्छी बात क्या है, ठीक है। सो ट्राई टू सी द डिवाइन, ट्राई टू सी द डिवाइन लाइट। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग फॉर यू। तो बहुत हो गया पाइसीज स्ट्रगल करना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, फ्यूचर को ले लेके इमोशनली परेशान रहना, नाउ थिंग गुड थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव कॉल इन द प्योर लाइट, वही लास्ट कि आपको अपने ऊपर वाले से कनेक्ट रहना है। अगर ये ना हो कि आपका अच्छा वक्त आए तो आप पूजा पाठ छोड़ दें और चीज़ों को भूल जाएं और ये सोचें कि अब तो सब ठीक हो गया और ये है वो है, ऐसा नहीं है। आपको वापस से ऊपर वाले से कनेक्ट रहना ही है इन ऑल द वेज, इन ऑल द सेंसेस, चाहे कुछ भी हो, ठीक है।
सो ये है आपकी रीडिंग पाइसिस एंड आई होप फ्रेंड्स आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिली हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।